के नाम पर महिलाओं को ठगा है, जहां समूह की महिलाओं के फर्जी तरीके से लोन निकलवाकर महिला फरार हो गई। शारदा महिला समूह की अध्यक्ष विनीता जोगी पर महिलाओं से लगभग 70 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। वहीं ठगी की शिकार महिलाओं ने एसपी और कलेक्टर को आवेदन देकर मामले में उचित कार्रवाई करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। लोन लेने का झांसा दिया था, जिस पर आरोपी विनीता ने अलग अलग बैंकों से इन महिलाओं के नाम से लोन लेकर पूरी राशि अपने पास रखकर और बैंक की किस्त खुद कटाने की बात कही है। परेशान पीड़ित महिलाओं ने मामले में कार्रवाई की मांग कर रही हैं और इस पूरे मामले में एसपी सीडी टंडन ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। तीसरा बार हो गया थाना में जाए, दूसरा बार तो निपटा रहा हूँ। उसके बाद भी चलो कहीं ले गए बना कुछ ला के पूजा करवा के मकान तक जाके टीवी ले, टीवी मेरे हाथ में नहीं है सर, मुझे सर बनाना था। 5,000 पटा, 15,000 पटाए, कौन पटाए मेरे को मालूम नहीं है। समूह में जुड़े हम हमन साधा समूह गोटी समूह लेडी सकें के मैं पैसा पटाना सब जन अपन बेटा आधार कार्ड दे दस मोला और घर में जा जाके पैसा मांगे, सब के घर में जा जाके पैसा मांगे हवा और तुम्हारा कोई चिंता नहीं, मैं पटाना सबके पैसा दे के लेके भाग गए। स्वसहायता समूह की है, इनका आरोप है कि एक महिला विनीता जो भी बता रहे हैं इनके झांसे में आकर के अकाउंट खुलवा लिए हैं, पैसा इनका अकाउंट में जाना चाहिए था पर उनके माध्यम से लोग जमा कर रखते थे ऐसा इनका कहना है। तो अभी वो महिला अभी निकल जो कि नहीं है, तो इस पर कार्रवाई चाहते हैं कि इस मामले की जो है सही तरीके से जांच की। ग्वालियर नगर निगम परिषद